जैसे वो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हो कि कुछ ना कुछ मैं लेके आता हूँ। आज एसआर के ब्लॉग का ये चैनल इसलिए बनाए गए कि हम क्या करते हैं, किसके साथ मिलते हैं, कहाँ पे जाते हैं, जर्नी कहाँ से होती है, ये सभी वीडियो डालने के लिए ये चैनल बनाया गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को भी शेयर करें लोगों में। दोस्तों, कुछ जब हम शुरुआत करते हैं किसी काम की, तो हमें ये तो पता लगता है कि हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जब कुछ मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। और आपने अगर मेरे पुराने वीडियो अलाइव ब्रिटिश चैनल से देखे, आपको यही समझ में आएगा कि एक छोटे से मोबाइल से शुरुआत की थी मैंने यूट्यूब की। जो लोगों का प्यार मिलता गया, लोग भी समझते गए मेरी बात को, और आज मैंने पहली एक चीज़ है यूट्यूब से जो ये कैमरा ले आया। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब में वॉइस क्वालिटी का जैसे बहुत मायने होते हैं, वैसे वीडियो क्वालिटी की भी मायने होते हैं। हालांकि ये कैमरा लेके मुझे 2 महीने हुए हैं, फिर भी अच्छी वीडियो क्वालिटी मैं नहीं दे पा रहा हूँ। इसका एक दूसरा कारण है कि मुझे ये कैमरा चलाना नहीं आता है, तो सीख रहा हो। तो लगता है ना कि हम किसी कार्य की शुरुआत करते हैं और कोई एक चीज़ ले लेते हैं। अभी ये ट्राइपॉड माइक तो ठीक है, हम कोई भी परचेस करता है, लेकिन ये कैमरा परचेस करने के पीछे भी एक कहानी है। और आज ये मेरा पहला कैमरा है। हो सकता है आने वाले 3-4 सालों में मैं बहुत बड़े सेटअप ले लूँ, बहुत बड़े बड़े कैमराज ले लूँ और अपनी मीडिया को आगे बढ़ाऊँ, लेकिन ये जो पहली चीज़ होती है, बहुत प्यार आता है इस चीज़ पे। और बहुत ही अच्छा कैमरा है ये। मार्केट में M50, कैनन का M50 तो आया था, मुझे पहले से पता था, लेकिन M50 Mark II जो कैमरा है वो नहीं आया था। जैसे वो लॉन्च हुआ वैसे मैंने परचेस कर लिया। चाहिए तो फ्लिपकार्ट का लिंक मैं आपको दे देता हूँ, इसी मॉडल का आप सर्च कर सकते हो। दोस्तों, ये कितने का आया ये इस पर डिस्कस ना करते हुए, इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। अभी मैं इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मेरे हाथ में मेरी चीज़ है, तो पता है कुछ फ़ोटोज़ वगैरह अच्छे आते हैं। अगर मैं इसको एक बड़ा वाला लेंस यानी थोड़ा सा महंगा लेंस लगाऊँ तो इसकी क्वालिटी और अच्छी आएगी। तो लेंस लेने का है, लेकिन जल्दी ले लेंगे। कुल मिला के बात यह है कि एक पहली चीज़ है जो मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए आपको इस वीडियो के द्वारा बता रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जिस रास्ते पे चला हूँ उस रास्ते में ये हमारा शस्त्र है, उससे हम शूट करते हैं, लोगों को बताते हैं, मैं भी आपके सामने आता हूँ, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए इसका आज वीडियो बन रहा है। इसके पीछे की स्टोरी ये है कि दोस्तों, बात ऐसी है कि एक छोटे से मोबाइल से शुरुआत की, तो आपने वो सिचुएशन देखी होगी कि फाइनेंशियली मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, फिर भी समाज में ऐसे कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि राहुल खन्ना का कार्य चलता रहे, और उन्होंने हेल्प की, और उन लोगों के हेल्प की वजह से आज ये बड़ी चीज़ आ पाई है। जी हाँ दोस्तों, मैं जेन्युइनली आपके सामने शेयर कर रहा हूँ ये बात। उन लोगों ने खुद का नाम बताने का विरोध किया, बोले कि नाम नहीं बताना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि अलाइव ब्रेथ यह चैनल चलती रहे, ट्राइबल लोगों की विचारधारा बाकी लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों, ये जो मैं जर्नी करता हूँ, मैं यहाँ वहाँ जाता हूँ, ये नहीं हो पाता अगर मैं 24 घंटे मेरे वर्क में बिता दूँ तो मैं कमा नहीं पाऊँगा। तो इसके लिए कुछ लोग भी हैं मेरे पीछे जो खड़े रहते हैं, हमेशा आशीर्वाद देते रहते, कहते हैं बेटा तू अपना काम कर, समाज तेरे पीछे। एक मुख्य बात यह है दोस्तों कि आज जो मोबाइल पकड़े मेरी पत्नी है एडवोकेट शीला सिडम, जिसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हर वो वक्त जहाँ पे मैं डीमोटिवेट होता हूँ, एक बंदे ने फेसबुक पे पोस्ट डाल दी थी कि राहुल खन्ना की ये करते वो करते, डीमोटिवेट हो गया था मैं उस बंदे से गुस्सा तो बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये छोड़ा, चलो यार हमने तो जेन्युइनली दिल में कुछ नहीं रखा, काम कर रहे फिर भी लोग हमें बोल रहे, तो मैं काम छोड़ देता हूँ, इस हद तक मैं आ गया था। लेकिन मेरी पत्नी प्रकाश सलामे सर, तिरुमाए कंगाली मैडम, इन लोगों ने फ़ोन करके मुझे भरोसा दिया कि जब हम अच्छा काम करते तब ज़रूर कोई ना कोई आड़े आ ही जाता है, अगर इनको देखने लगेंगे तो हमारा कार्य रह जाएगा। तो इसलिए मेरी पत्नी जो है, शादी जैसे हमारी शादी हुई, शादी में भी यही शर्त रखी गई थी हमारे, मैंने कि कहा देखो अलाइव ब्रेथ का काम कर रहा हूँ, ट्राइबल लोगों का काम कर रहा हूँ, मैं ये छोड़ने वाला नहीं हूँ, तो इसी शर्त पे शादी हुई थी। उसको भी बहुत इंटरेस्ट है इस विषय में और वो मेरी हर तरह से हेल्प करती है, यहाँ तक कि मुझे अगर मैं
कहीं पे भी हूँ तो वीडियो कैसे बनाना है, सारे टिप्स वो देती रहती है, कहाँ पे जाना है, हम कहाँ पे जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ। तो दोस्तों मैं तो एक मानता हूँ कि ऐसे पार्टनर मिलना भी बहुत आवश्यक है, महत्वपूर्ण है सभी के लिए, कि जो आपके के काम में हाथ बटाती हो। ये पहली चीज़ है दोस्तों YouTube से, आप जिसको अच्छी तरह से देख सकते हो। एक्चुअली मैं भी ज़्यादा नहीं जानता, फिर भी आपको बता दूँ, यौन इसकी फ़ोटो क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। ये जो फ़ोटोज़ है जो हमने लिए है, इस बहुत सारे फ़ोटोज़ है जो हमने लिए है, इसकी जो फ़ोटो क्वालिटी है वो किसी मोबाइल में तो ऐसा आ ही नहीं सकता। बहुत अच्छा लगा। जब मैं 100% इस कैमरे को सीख लूँगा कैसे शूट करना है, क्या अभी फंक्शन बहुत सारे हैं, देखिए यहाँ पर डायल है, फंक्शन बहुत सारे हैं, बहुत कुछ। ये लेंस जूम इन जूम आउट होता है, और बड़ा लेंस अगर लगा दूँगा तो और HD आ जाएगा। तो ये सब बातें तो ठीक है, बेसिक यही है, लेकिन मैं अभी सीखा नहीं हूँ तो आपको ज़्यादा मैं बताऊँगा नहीं। और फिर भी मैं अगर आप इसको सीखना चाहोगे, लेना चाहोगे, तो एक मैं सजेस्ट करूँगा कि कैनन M50 Mark II, ये बहुत अच्छा कैमरा है, आप इसे परचेस कर सकते हो, कोई इसमें डाउट नहीं है। बहुत ही अच्छा कैमरा है, आप अगर पर्सनली शूट करने लेते हो, क्रिएटर हो, YouTube वगैरह चलाते हो, तो इसका लिंक आपको फ्लिपकार्ट का लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाके उसको चेकआउट करें। इसकी आगे पीछे होती रहती है। मैंने जब लिया तब 59 के रेंज में था, तो इधर उधर होते रहते हैं ये मॉडल, 2-4 ऊपर या 2-4 नीचे होते रहते हैं। तो इसके साथ जो भी सेटअप लगता है वो भी मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कुल मिला के ये है कि ये मेरी पहली सीढ़ी है जो आपके सामने है। सो आपको बोर ना करते हुए यहाँ पे वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। दोस्तों अगर ये कैमरा आपको पसंद है, या ये जो मेरा काम कर रहा हूँ मैं, इसको आप सपोर्ट करते हो, तो प्लीज़ ऐसे वीडियो को अपने लोगों में शेयर करिए। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यूट्यूबर लाखों पैसे कमाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। यूट्यूबर को भी गिन चुन के पैसे आते हैं। अगर आप जैसे लोग सपोर्ट करते हैं, शेयर करते हैं, ज़्यादा वाच बढ़ता है तो ही आते हैं। तो इसलिए दोस्तों अपने समाज के लोगों को, अगर आपको लगता है कि चैनल बड़ा चलता रहे, तो आपको ये भी करना है कि अपने समाज के जिन लोगों का चैनल है जो अच्छा है, उस चैनल को शेयर भी करते रहिए। दोस्तों वीडियो बड़ा हो जाएगा, हम यही रुकते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ, कहीं घूमने जाएंगे या कुछ और दिखाऊंगा आपको। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवान, जय गुण।